दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फिलहाल टोहाना के अंदर मौजूद है। टोहाना का मामला आप सबने मेरा लाइव भी देखने का काम कराया, वो सारे मेरे साथ मौजूद है जिनने स्टेज की अगर बात करा, मंच के माध्यम से सारे ती संदेश देने का काम कराया और आगे के डिसीजन लेने का काम कराया। एक बार मैं देसी भाषा में कहूँगा, बैगन की जड़ कहा कर नहीं, बैगन की जड़ यहाँ खड़ी है मेरे द्वारा। सरपंच साहब मेरी बात ने उल्टा ना समझिए, सरपंच साहब कहने का मतलब क्या है कि एक चिंगारी पैदा करने वाले सरपंच गांव समैन से वो मेरे साथ मौजूद है। भाई इनने शुरुआत करी, गांव गांव जाकर के सारे सरपंचा की संदेश दिया और आज एक बड़ा सम्मेलन करने का काम कराया। उनसे बात करें भाई साहब। राम राम। राम राम। क्या कुछ सोचा था, इतना सोचा था इतने सरपंच में? हाँ जी बिल्कुल, मैं सभी से मिला हुआ था, मेरे को तो पता था। अच्छा, थोड़े आने थे आगे के नहीं? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। हमने पहले इतनी व्यवस्था कर रखी थी, 8-10 हज़ार बंदे का खाना कर रखे था, वैसे थोड़े करना था अगर हमने पता ना होता। हमको पता था। टोटल हरियाणा की बात करा, कितने परसेंट सरपंच यहाँ मौके पर थे आज? 85% सरपंच थे। 85% आप का गल्ला है, 15% वो भी सरकार के साथ नहीं, वो दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, गुड़गांव और फरीदाबाद। अच्छा, वो थोड़ा सा इस चीज में वो नहीं है, वहाँ लोग ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, इन चीजों की तरफ उनका ध्यान थोड़ा सा कम है। पंचायत मंत्री का पल्ला भी छोड़ा? पंचायत मंत्री का पल्ला तो मेरे भी के रह गया। सरपंच ही बात करूं, और तो देखी जी पर सरपंच वही कह कर इक्का दुक्का देख लो भी, सरपंच इक्का दुक्का मारा गला, सरपंच अगला मंत्री जी अगला है। तो क्या कुछ फैसला आज टोटल आपने लिया गया कि भाई आगे का प्लान आपका केयर होगा? आगे का प्लान, एक तो कल से सभी ब्लॉकों को ताले लगाएंगे हम पूरे हरियाणा के अंदर, और एक 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो उनका हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। ब्लॉक भी जो कल से बंद करने का फैसला लिया? कल से बंद करेंगे सभी ब्लॉकों, सभी ब्लॉक बंद कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे जिसके ऊपर ई टेंडरिंग का जो मामला है और उसके खिलाफ सारे सरपंच मौके पर मौजूद थे? ई टेंडरिंग का मामला भाई साहब, इससे पहले माननीय राजीव गांधी जी ने कहा था भी हमें 100 रुपये वहाँ सेंटर से भेजते हूँ तो 10 रुपये गांव तक पहुँचते हैं, तो उनको कौन खा रहा था रास्ते में? सरपंच तो खा नहीं रहे थे। अब सरपंचों के तो ये हाथ बांध रहे हैं, ये खाने का काम कर रहे हैं रास्ते में ई टेंडरिंग करके, बीच में दलाल बाट का। भाई सरपंच भी ठेकेदारों तो शाणे ही हैं और जनता ने चुने हैं, जब हमने उनको अधिकार दिया है भाई आप विधानसभा में बैठ के हमारे लिए कानून बनाओ, कोई आप हल्के में कोई काम करना, आप खर्च कराओ, तो वो ऐसा क्यों सोचता है अभी सरपंच भ्रष्टाचारी बन गए हैं बनते ही सार और इनके हाथ बांध दो। अरे गांव में 2 लाख रुपए में तो सफाई भी नहीं होती, नालियाँ भी नहीं साफ होती, 2 लाख में करेगा क्या सरपंच? सर आपने मंच के माध्यम से भी बड़ी मतलब जानकारियां देने की बात करी, क्योंकि आपने बहुत सी जानकारियां दी भाई किन धाराओं के तहत किन किन मतलब शेड्यूल के बारे में भी आपने बताया। आप क्या मानते हैं ई टेंडरिंग को लेकर के, आज सरपंचा का जो पूरा सम्मेलन था उसके ऊपर आपका व्यू क्या है? पहले तो मैं इन सारे सरपंचों को, रणधीर भाई को और मेरे साथ आए विकरनाल के रतन ईशन सिंह, इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक मौका मिला इनके बीच में आने का। मैं नौकरी छोड़ के IPS की इसी काम को कर रहा हूँ कि जब तक सरपंचों को अपनी सरकार बनाने का 73वें संशोधन से 29 अधिकारों के साथ मंत्रालय बनाने का हक नहीं मिलेगा, तब तक ये ई टेंडरिंग जो कानून किया है ये बहुत ही गलत है कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से। सरपंच को पता है सड़क कौन सी ठीक होगी, सरपंच को पता है बिजली कहाँ ठीक होगी, सरपंच को पता है कि कौन खेत को बाढ़ को खा रहा है, तो अफसरों को नहीं पता। अफसर वहाँ जाते हैं हाजिरी मार के आते हैं, मैं उस अफसर की कुर्सी पर रहा हूँ, इसलिए मैंने इन सरपंचों को एक मार्गदर्शक के रूप में बता रहा हूँ कि ये आपके अधिकार हैं, ये आपकी कानून है। जब तक कानून और अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, संविधान की संवैधानिक सिस्टम में प्रजातंत्र में ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि बहुमत का ज्ञान हो, अल्पसंख्यकों का सिस्टम हो, संवैधानिक सिस्टम इन्हें पता हो, और विचार विमर्श से असहयोग आंदोलन ये चलाएंगे, तो हर हालत में ये ई टेंडरिंग का जो कानून है ये गलत है, ये हर हाल से सरकार को वापस लेना पड़ेगा और सरकार को इन्हें ई टेंडरिंग नहीं, इन्हें पूरी सरकार बनाने का, अपने मंत्रालय 29 चलाने का हक मिलेगा जो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची शेड्यूल और 73वें संशोधन 243G आर्टिकल में लिखित रूप में ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो वो इन्हें अधिकार क्यों ना मिले? इसलिए मैं तन मन धन के साथ इनके साथ हूँ और जब तक ये अधिकार नहीं मिलेगा हम शांति से नहीं बैठेंगे। सर साहब एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, मंच के माध्यम से बताया गया, आपने घोषणा भी करी और अपील भी करी जितने सरपंच आए थे कि भाई गांव में किसी भी सत्ताधारी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा, प्रोग्राम नहीं करने देंगे,
लेकिन दो या तीन दिन पहले की अगर बात को थोड़ा रिमाइंड करें, आपके गांव में देवेंद्र सिंह बबली का प्रोग्राम हुआ। सार्वजनिक जगह पे प्रोग्राम नहीं करेंगे। अगर कोई भाई गांव से अलग होकर है और उसको बुलाता है किसी को, वो उसकी सोच है, लेकिन गांव वहां पर्सनल जगह भी इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि गांव का भाईचारा नहीं खराब करना चाहते हम। हमें लड़ाई सरकार के साथ है, किसी दूसरे भाइयों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। आगे के लिए सरपंचों ने क्या आश्वासन दिया है इस प्रकार की जो आपने आज मतलब फैसले लिए उनके ऊपर कितना आश्वासन उन्होंने आपके पक्ष में आपके साथ? आपने देखा ये सभी ने हाथ खड़े करके समर्थन किया हर फैसले का। 23 तारीख की जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है देवेंद्र सिंह बबली, उसके आप विरोध करेंगे? मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनका विरोध करेंगे, अन्यथा इनका तो विरोध कर ही रखे हैं, हम क्यों इनके लिए थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे हम। यानी मुख्यमंत्री जी आएंगे तो विरोध करेंगे, देवेंद्र सिंह बबली का विरोध नहीं करेंगे? देवेंद्र सिंह बबली का तो वैसे ही विरोध कर रखे हमने, वैसे ही विरोध है। जो लोग सरपंचों के साथ है और गाँव बचाना चाहते हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में ना जाएं जो लोगों को गलत बोलते हैं, पूरे अधिकारियों को चोर, सरपंचों को चोर, हर सभी को चोर बोलते हैं जी। तो भाई पूरा मामला आपने देखा है और पूरी जानकारी आज के आपती देने का काम करा, किस प्रकार का जो पूरा मामला था जी सरपंच बोलो दे, पूरा मामला क्या कुछ था, पूरी आपती बताइए, क्या क्या उनकी मांग थी, क्या क्या उन्होंने आज जो फैसले लिए वो चीज़ आपती बताने का काम करा। कुछ शब्द जो है पंचायत मंत्री द्वारा बोले गए थे उनके ऊपर आज बहुत से सरपंच ने अपनी बड़ास निकालने का काम भी करा, जैसे आपने शब्द सुने होंगे कि भाई चले हुए कारतूस जिस भाषा में उनको बोला गया था, ऐसे शब्दों का जवाब आज मंच के माध्यम से दिया भी गया है। आपको क्या लगता है टेंडरिंग मामले को लेकर के सरपंच कहाँ तक जायज है, वो अपनी राय भी जरूर रखें आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।